देखिए फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास ट्वेल्व बोर्ड एग्जाम के लिए ओरिजिनल आंसर पेपर है इस प्रकार का आंसर पेपर आपको क्लासरूम में प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है ये आंसर पेपर जैसे आपके हाथ में आएगा तो सबसे पहले आपको देखना है ये आंसर पेपर का जो सिलाई है ये ठीक तरह से किया हुआ है क्या ठीक है पहले एकदम लिखना ही आपको ये पूरा स्टिचेस ठीक है क्या ये देखने हैं फिर इसके अंदर जो पेजेस है ध्यान दीजिए ये फ्रंट पेज है फिर इसके बाद में यहाँ पे पेज नंबर थ्री से स्टार्ट हो रहा है ये पेज नंबर थ्री फिर उसके बाद रहेगा ये ये पेज नंबर थ्री के पीछे पेज नंबर फोर है तो ये आपको ऑड नंबर देखेंगे थ्री फिर उसके बाद फाइव फिर उसके बाद सेवन फिर उसके बाद में नाइन तो ये पूरे पेजेस आपको काउंट करने हैं लास्ट वाले पेज के ऊपर ट्वेंटी एट है ठीक है ना तो ये पूरे पेजेस आपको काउंट करते जाने हैं वन ये देखिए फोर यहाँ पे थ्री फोर फिर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन इस प्रकार से इसको पूरा देख लेना आपको और किसी पेज के ऊपर हो सकता है यहां पे लाइनिंग ना हो अगर इस प्रकार का आंसर पेपर कुछ कुछ डैमेज आंसर पेपर रहेगा एखाधा पेज इसमें नहीं रहेगा तो यह आंसर पेपर आपको वापस करना है इनविलेटर को ठीक है ना आपके रूम पे जो स्टीचर्स रहेंगे उनके पास ये दे देना है वो आपको बदल के देंगे फिर आंसर पेपर तो सबसे पहले हमें इस चीज को ध्यान में रखना है ओके जैसे आंसर पेपर हमारे हाथ में आएगा आंसर पेपर हमारे हाथ में आए बराबर हमें पूरी बात ही चेक करनी है फिर अगर आपका इतमिन हो जाए आपको ऐसा लगता है कि यह पूरा ठीक है तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है अब इसके बाद यहां पे आपको आपका जो एग्जाम सीट नंबर है ये इन फिगर लिखना है ये ओरिजिनल आंसर पेपर है देखिए मैं आपको ओरिजिनल आंसर पेपर दिखा रहा हूं ये आंसर पेपर आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा ठीक है यहां पे आपको आपका एग्जामिनेशन सीट नंबर लिखना है और वो भी लिखना है इन फिगर अब ये वन टू थ्री देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन बॉक्स है और आपका एग्जामिनेशन सीट नंबर भी सेवन सेवन डिजी मतलब वहां पे एक आपको अल्फ़ाबेट दिया जाएगा एक सीरीज रहेगी वी से स्टार्ट होगा या फिर और कोई अक्षर से स्टार्ट होगा लेकिन उसके बाद में आपको पूरे डिजिट्स दिए जाएंगे मतलब संख्या दी जाएंगी ठीक है तो फिर उसी को यहाँ पे शब्द में इन वर्ड्स लिखना है ठीक है ना फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको खुद की साइन करनी है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है फिर इनविजिलेटर साइंस यहाँ पे आपके क्लासरूम पे जो आपके क्लास में जो टीचर होंगे ेशन के लिए वो यहां पे साइन करेंगे फिर यहां पे सेंटर नंबर लिखना है अब ये जो सेंटर नंबर ये आपके हॉल टिकट के ऊपर रहता है ओके फिर इसके बाद में देखिए यहां पे सब्जेक्ट लिखना है आपको ठीक है ना यहां पे लिखना है आपको सब्जेक्ट फिर उसके बाद में यहां पे लिखना है आपको पेपर अब जैसे मैथ्स अगर लिखा तो पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा लिखा तो भी चलता है या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा ओके क्योंकि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड तो हमारे सेपरेट डे पे नहीं रहते हैं तो अगर सेपरेट डे पे रहते हैं तो फिर उस टाइम यहाँ पे मैथ्स यहाँ पे पेपर फर्स्ट ऐसा वहां पे लिखना पड़ता है हमें लेकिन जैसे कंप्यूटर साइंस के फिशरी के पेपर है क्रॉप साइंस है उनको दो दो पेपर रहते हैं तो वो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉप साइंस फिर यहाँ पे पेपर फर्स्ट या फिर क्रॉप साइंस पेपर सेकंड इस प्रकार से लिखेंगे फिर यहाँ पे डेट एग्जाम का जो डेट है ये डेट आपको यहाँ पे लिखना है फिर लैंग्वेज ऑफ आंसर उत्तर लिखना अच्छी भाषा अब मैथ्स का पेपर है तो इंग्लिश में ही हम लिखेंगे जाहिर सी बात है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे आप ओके फिर मेन आंसर बुक वन नंबर ऑफ सप्लीमेंट जितने भी आप सप्लीमेंट इसको बांधते हो जितने भी सप्लीमेंट आप लेते हो जितने भी यहां पे आप टैग करोगे तो उन सप्लीमेंट की यहाँ पे नंबर ऑफ उसकी यहाँ पे संख्या लिखनी है अगर चार है तो वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव रहेगा फिर इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है ओके अब ये पूरा यहाँ पे लिखे बाद इसके ऊपर यू कोड सॉरी तो यहाँ के यहाँ पे Core, बार कोड जो है बार कोड लगाया जाएगा यू आई डी यहां पर लगाया जाता है ये आपको नहीं दिया जाएगा एक ऑफिस में लगाया जाता है फिर यहां पे बार कोड लगाएंगे व्हाइट कलर का बार कोड का हिस्सा इधर आएगा बार कोड के ऊपर भी आपका एग्जाम सीट नंबर रहता है सब्जेक्ट का इंडेक्स नंबर रहता है और साथ में सेंटर नंबर उसके ऊपर दिया रहता है ठीक है ना सेंटर नंबर वो देख के भी आप यहाँ पे लिख सकते हो फिर यहाँ पे आपको बार कोड लगाना है उसके ऊपर लगेगा यहाँ पे होलोक्राफ्ट ओके ब्लैक कलर का होलोक्राफ्ट व्हाइट कलर का यहाँ पे बार कोड लगेगा क्योंकि पेपर वैल्यूएशन हुए बाद ये जो वैल्यूअर है ये वैल्यूअर इतना पोर्शन कट करते हैं ये मार्कशीट जो है ये मॉडरेटर के पास जमा करते हैं ठीक है ना तो मतलब इसके ऊपर से ये बार कोड ठीक है ना ये बार कोड और ये यहाँ का जो यू इसको ये मैच हो जाएगा और फिर डी किया जाएगा फिर आपका आंसर पे मतलब ये जो ये पूरी प्राइवेसी रखने के लिए यहाँ पे ये सिस्टम बोर्ड ने बोर्ड यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है ठीक है ना अडॉप्ट किया है अब देखिए फ्रेंड्स यहां कुछ भी आपको नहीं लगाना ये दिव्यांग कैंडिडेट स्टिकर यहां पे दिया है अगर दिव्यांग हैडी कैप है ओके तो देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर अब ये एग्जामिनर यहां पे मार्क्स फिल करेंगे फिर यहां पे मॉडरेटर यहाँ पे चीफ मॉडरेटर फिर यहाँ पे ये जैसे यह, यहाँ पे टोटल इन फिगर्स जो मार्क्स रहेंगे मार्क्स की सम रहेंगे टोटल इन फिगर्स टोटल इन वर्ड्स फिर वैल्यूअर खुद का एग्जामिनर खुद का सिग्नेचर करेंगे और हर एक को अपॉइंटमेंट नंबर रहता है एग्जामिनर को मॉडरेटर को चीफ मॉडरेटर मैं जैसे बोर्ड में चीफ मॉडरेटर हूँ तो मैं यहां पे मेरे इस आंसर पेपर के मार्क्स यहां पे भरूंगा ठीक है ना तो ये स्क्रूटनी किया जाता है इस पेपर का मॉडरेटर जो है ना इसका स्क्रूटनी करेंगे एक, हर एक पेपर पेपर का और जो देखिए अबो 90 मतलब 72 के ऊपर के पेपर अब वैसे देखा जाए 80 मार्क्स का हमारा आंसर पेपर है तो बहुत सारे बच्चे अब 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेते हैं तो उस वजह से सिर्फ 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा उसी को मॉडरेटर जनरली अब चेक करते हैं और वही पेपर चीफ मॉडरेटर के पास जाता है ठीक है ना लेकिन मॉडरेटर हर एक पेपर का स्क्रूटनी करते हैं मतलब जो पूरी बेरीज रहेगी आपके मार्क्स की वो देखते हैं मार्क्स ठीक तरह से यहां पे उसकी बेरीज जो सम है उसकी एग्जामिनर ने ठीक से ठीक तरह से किया है या नहीं ठीक है ये है आपका आंसर पेपर तो इस प्रकार से पूरा आपको लिखना है ओके अब देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है आंसर पेपर को ओके अब देखिए ये जो स्टूडेंट है स्टूडेंट ने अब ये ओरिजिनल था ये आंसर पेपर ओरिजिनल था ये मैं अब डमी यूज कर रहा हूं ठीक है ना यहां पे डमी है ओके अब देखिए ये मार्केट में भी मिलते हैं ये तो इस प्रकार का आंसर पेपर मैंने सिर्फ आपको किस प्रकार से वैल्यूएशन किया जाता है ये बताने के लिए ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स सितंबर 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सामने यहां पे रखा है ये पूरा आपका हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है मैंने ओरिजिनल आंसर पेपर आपको देखा ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा ठीक है इसके पहले पेज के ऊपर पूरे इंस्ट्रक्शन आपको दिए रहते हैं ये इंस्ट्रक्शन पूरे रीड करना और मैंने भी अपलोड कर रखे क्वेश्चन पेपर्स को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे इस पी सर यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर पहले आपको आंसर पेपर दिया जाएगा फिर बाद में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर दिए हाथ में जैसे आपके क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर को भी देख लेना है पूरे पेजेस वगैरह है क्या नहीं क्वेश्चन पेपर में है तो फिर यहाँ पर आपको खुद का सीट नंबर लिखना है मतलब ये क्वेश्चन पेपर आपका है ये पूरे तीन घंटे आपके साथ रहेगा ठीक है ना तो फिर ये पूरे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं फिर इसके पीछे वाले पेज पे ये पहला ही पेज मैंने यहां पे लिया है पीछे वाले पेज पर पे सेक्शन ऐसे स्टार्ट हो रहा है हमें पता है कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर वन में ऑप भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं फिर आपका जो आंसर पेपर है ये इसका वैल्यूएशन करने के लिए बोर्ड की तरफ से इस प्रकार का मॉडल आंसर पेपर प्रोवाइड किया जाता है ठीक है ना इस मॉडल आंसर पेपर को देख के आपका वैल्यूएशन किया जाएगा इसमें के जैसे कि जैसे ही आंसर आपने लिखे ऐसा नहीं लॉजिकली जो इक्वल मेथड होगा वो भी क्योंकि इसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं द फॉलोइंग स्कीम ऑफ मार्किंग इज ओनली टू गिव गाइडलाइंस एंड हेल्प द द टू आंसर पेपर्स एनी अल्टरनेटिव बट लॉजिकली एंड मैथमेटिकली करेक्ट अप्रोच शुड भी एक्सेप्टेबल एंड मस्ट भी गिवन फुल क्रेडिट मतलब आपने जो आंसर यहां पे लिखा है सेम ऐसा ही आंसर मॉडल पेपर में वैसा नहीं अल्टरनेटिव मेथड आपने कुछ यूज किया होगा लेकिन वो लॉजिकली इक्वेलेंट है तो उसे वैल्यू उसका वैल्यूएशन किया जाएगा ठीक है ना फॉर ईच मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज मैंडेटरी टू राइट करेक्ट आंसर अलॉन्ग अल्फाबेट ठीक है ना उसका जो अल्फाबेट है और अल्फाबेट और आंसर को लिखना ही है मैं ये आपको बताऊँ बताऊंगा पेपर का वैल्यूएशन करते समय ठीक है ये तो ये मॉडल आंसर पेपर है इस प्रकार का मॉडल आंसर पेपर हर एक वैल्यूअर को दिया रहता है ठीक है ना यहाँ पे मार्किंग स्कीम रहती है जैसे ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम थ्री मार्क्स का है तो थ्री मार्क्स कौन कौन से स्टेप को दिए जाएंगे ठीक है ना वो है? जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरलोर पाइप का आपको यहाँ पे दिख रहा है ओके मैं आप पूरा का पूरा तो पेपर यहाँ पे आपको चेक करके नहीं बताऊंगा लेकिन पेपर किस प्रकार से लिखा जाता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय जाएगा

ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के से आपको लिखने हैं ये फर्स्ट फिर उसके बाद में सेकंड अभी स्टूडेंट ने सर्कल किया है वैसे सर्कल इसको करने की जरूरत नहीं है ये आपको इस प्रकार से दिया है फर्स्ट तो ये ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हो ठीक है अब इसने अब ये पूरे के पूरे आंसर सही है ओके तो वैल्यूअर क्या करेंगे देखिए वैल्यूअर इसको राइट करेंगे इसे राइट करेंगे इसे राइट करेंगे इसे राइट करेंगे इसे राइट करेंगे, करेंगे, करेंगे ये राइट रहेगा ये राइट रहेगा रहे और ये राइट रहेगा अब यहां पे ब्लैंक स्पेस है तो वैल्यूअर यहां पे इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे ओके okay, मतलब इन्होंने पूरा चेक किया है फिर इसको वन मार्क सॉरी टू मार्क्स का है तो इसको टू मार्क्स देंगे इसे टू मार्क्स दिए जाएंगे इसे टू मार्क्स दिए जाएंगे यह भी टू मार्क्स का है यह टू मार्क्स का है यह हमें पता है ऑब्जेक्टिव टू मार्क्स के रहते हैं यह भी टू मार्क्स का है तो क्वेश्चन नंबर वन ओके तो क्वेश्चन नंबर वन में सेक्शन ए जो है देखिए ध्यान दीजिए सेक्शन ए जो है सेक्शन ए में चाहे तो यहां पर भी सेक्शन ए लिख सकते हैं सेक्शन ए जो है सेक्शन ए में ये टोटल पूरा सम यहां पे लिखेंगे कितना है एट है तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर सॉरी ये सेक्शन ए है ये ये यहां पे सेक्शन ए लिखा जाएगा और यहां पे क्वेश्चन नंबर वन क्योंकि पहले सेक्शन आता है फिर बाद में क्वेश्चन नंबर वन तो फिर यहां पे ये दिए जाएंगे एट मार्क्स सॉरी कितने मार्क्स है सिक्सटीन मार्क्स ये टोटल क्योंकि एट क्वेश्चन है सिक्सटीन मार्क्स तो इसको सिक्सटीन मार्क्स दिए जाएंगे ठीक है ना क्वेश्चन एट है एट इंटू टू सिक्सटीन तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का क्वेश्चन और ये सेक्शन लिखना आपने जरूरी है ठीक है ना यहाँ पे सेक्शन लिखा है ये सेक्शन लिखना आपने बहुत जरूरी है आप ब्लू या ब्लैक कलर का पेन यूज कर सकते हो ओके सेक्शन ए और फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है हमें पता है क्वेश्चन नंबर टू वन मार्क्स के लिए रहता है तो ये चारों भी राइट है ये और ये कंपल्सरी रहता है तो ये चारों राइट है तो यहां पे देखिए इसे वन मार्क फिर इसे वन मार्क फिर इसे वन मार्क फिर इसे वन मार्क तो क्वेश्चन नंबर टू को देखिए क्वेश्चन नंबर टू जो है क्वेश्चन नंबर टू को यहां पे दिए जाएंगे मार्क्स इस प्रकार से वैल्यूएशन कर सकते हैं या फिर देखिए यहां पे ये यह आपका जो ओरिजिनल आंसर पेपर है है यह ये यहां पे दिया क्वेश्चन और सब क्वेश्चन फिर मार्क्स ये सेक्शन यहां पर लिखेंगे सेक्शन यहां पर लिखेंगे ओरिजिनल आंसर में ठीक है ना ओरिजिनल आंसर पेपर में और फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर दिए जाएंगे और यहां पर मार्क्स दिए जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है जैसे सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर पे लिखना है अब इसके नीचे ये स्टूडेंट ने ये जो आंसर है पे पे लिखे तो भी चलता था क्योंकि सेक्शन सेक्शन जो है आपको है आपको सेपरेट पेज स्टार्ट करना मतलब ए लेकिन सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर वन यहां पे कंप्लीट हुआ है इसके नीचे भी आप क्वेश्चन नंबर टू लिख सकते हो सॉरी क्वेश्चन नंबर टू यहां पे भी लिख सकते हो ठीक है ना यहाँ या फिर क्वेश्चन नंबर टू आप यहां पे सेपरेट पेज भी सेपरेट पेज के ऊपर भी ले सकते हो अब ये क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर टू जो है क्वेश्चन नंबर टू को फोर मार्क्स है इसका सम आएगा सिक्सटीन प्लस फोर यहां पर रहेगा एट यहाँ पे सम लेंगे एट और क्या करेंगे वैल्यूअर यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर वन को सिक्सटीन प्लस फोर सॉरी ये ट्वेंटी हो जाएगा सिक्सटीन प्लस फोर ये क्या होगा ट्वेंटी ठीक है सिक्सटीन प्लस फोर ये ट्वेंटी हो जाएगा मैं ये मैंने ये देखा ये सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी तो वैल्यूअर यहाँ पे ट्वेंटी मार्क्स लिखेंगे एग्जामिनर जो है यहाँ पे ट्वेंटी मार्क्स लिखेंगे सेक्शन क्वेश्चन सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटीन मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर टू फोर मार्क्स के लिए ये सिक्सटीन प्लस फोर यहां पे ट्वेंटी हो जाएंगे तो ट्वेंटी मार्क्स यहां पे लिखेंगे फिर उसी प्रकार से अब स्टूडेंट ने सेक्शन बी यहां पे स्टार्ट किया और वैल्यूअर यहां पे इस प्रकार से और वैल्यूअर यूज करते हैं रेड पेन ठीक है ना फिर सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर थ्री है फिर क्वेश्चन नंबर थ्री को मार्क्स ओके क्वेश्चन नंबर थ्री फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है ना इस प्रकार से वैल्यूएशन किया जाएगा अब कॉन्वर्स और इनवर्स पूछ यहां पे पूछा गया था टू मार्क्स का हमें पता है सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन टू मार्क्स का रहता है तो यहां पे इसे टू मार्क्स दिए जाएंगे और हमें पता है सेक्शन बी में सिर्फ एटी क्वेश्चन अटेम्प करने रहते हैं ठीक है ना कितने क्वेश्चन अटेंट करने उन्हें एट क्वेश्चन तो यहां पे देखिए ये, ये राइट है ये राइट है ये राइट है तो इसे यहां पे टू मार्क्स दिए जाएंगे ओके अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फाइव ये भी राइट है तो इसे भी यहां पे टू मार्क्स दिए जाएंगे कुछ गलत होता है तो देखिए स्टेप्स वाइज यहाँ पे मार्क्स दिए रहते हैं ठीक है ना ये बी ने यहाँ पे बताया है कॉन्वर्स और इनवर्स कॉन्वर्स को वन मार्क देना है इनवर्स को वन मार्क देना है तो उसी प्रकार से यहाँ पे वैल्यूअर जो है वैल्यूअर वैल्यूएशन करते समय यहाँ पे मार्क्स देते जाएंगे ठीक है ना मैं राइट राइट करते जाएंगे उस स्टेप को अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में स्टेप वाइज मार्क्स लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे पूरे टू मार्क्स ठीक है ना फिर यहाँ पे पूरे टू मार्क्स लिखेंगे ये सही है ये पूरे टू मार्क्स ओके और ये राइट करेंगे जिस स्टेप को यहाँ पे मार्क्स दिए देखिए ये वीडियो वैल्यूअर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए यहां पे जैसे जैसे ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखा है इन्होंने सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स को इस स्टेप के लिए वन मार्क्स है इस स्टेप के लिए वन मार्क्स है द पॉइंट्स ए एंड बी आर कोर तो इस स्टेप को वन मार्क्स है ठीक है ना ये ऊपर के स्टेप्स को वन मार्क्स है तो इस प्रकार से राइट किया जाएगा टू मार्क्स और कितने क्वेश्चन अटम्प कर रहे क्वेश्चन अटैप्ट कर रहे हैं लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा क्वेश्चन अटेंट किए देखते स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन अटैम्प किए ये टू मार्क्स का ये टू मार्क्स का फिर ये टू मार्क्स क्वेश्चन नंबर सेवन को भी यहाँ पे राइट किया जाएगा ये क्वेश्चन नंबर सेवन टू मार्क्स के लिए फिर ये क्वेश्चन नंबर एट ये भी राइट है ये टू मार्क्स के लिए ओके फिर ये देखिए ये भी सही से किया है पूरा तो ये भी टू मार्क्स के लिए रहेगा ये भी सही तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है तो ये टू मार्क्स के लिए रहेगा फिर इसे भी ये भी सही है ओके ये मैंने पहले आंसर पेपर दे, देख देख रखा है तो मुझे पता है ये सही है तो यहाँ पे टू मार्क्स फिर ये भी सही है ये फिगर वगैरह जो है ये सितंबर 2021 का जो पेपर हुआ है वही पेपर स्टूडेंट ने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है ठीक है तो ये टू मार्क्स ओके और फिर ये इसको भी यहाँ पे टू मार्क्स दिए जाएंगे अब यहाँ पे सेक्शन बी जो है कंप्लीट हो रहा है सेक्शन बी में एट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे तो लेकिन इन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके टेन एलेवन ट्वेल्व तो ये बहुत ज्यादा मिल रहे मार्क्स ठीक है ना आपको टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री फोर दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ ठीक है ना नौ ये फिर दस ग्यारह ओके और बारह पूरे बारह के बारह क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किए टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन क्योंकि आउट ऑफ ट्वेल्व हमें एट क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं ये पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए तो इतने तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे तो क्या होगा देखिए वन टू जिस जिन क्वेश्चन को ज्यादा मार्क्स है उनको काउंट किया जाएगा एट क्वेश्चन अब सभी को सेम मार्क्स है तो वैल्यूअर क्या करेंगे ये सही है टू मार्क्स एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तो इसके बाद के एक्स्ट्रा है तो हो सकता है वैल्यूअर यहां पे इसे ट्राइंगल करेंगे या फिर सर्कल करेंगे मतलब ये सही तो है लेकिन इसे काउंट नहीं किया जाएगा ये टू मार्क्स और फिर ये टू मार्क्स इस प्रकार से ट्राइंगल या फिर सर्कल किया तो भी चलता है ठीक है ना तो इनका ये ट्राइंगल या सर्कल का कहना ऐसा है कि ये एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन है इन्होंने ज्यादा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किए तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री को टू मार्क्स है फोर को यहां पे टू मार्क्स है फाइव को टू मिले हैं सिक्स को टू है सेवन को टू है फिर क्वेश्चन नंबर एट को टू है क्वेश्चन नंबर नाइन को टू है टेन को यहां पे टू है अलेवन को भी कितने मिल रहे हैं टू मिल रहे हैं फिर ट्वेल्व को थर्ड टू है ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व तो यहां थर्टीन यह वाला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन लेकिन कितने काउंट करने एटी काउंट करने वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट तो इन, इनको सर्कल देखिए मतलब ये काउंट नहीं होंगे फिर इन सब इन सभी का सम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इन सभी का सम कितना हो रहा है सिक्सटीन तो, तो यहां पे सिक्सटीन लिखा जाएगा ठीक है ना यहां पे लिखा जाएगा सिक्सटीन ओके तो इस प्रकार से देखिए आपको मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे अब ये इनको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में हर एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स के लिए यहाँ पे एट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं तो ये ट्वेंटी फोर यहाँ पे अगर सही सभी सही है तो ट्वेंटी फोर यहाँ पे दिए जाएंगे फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फोर जो है फाइव अटैम्प्ट करने रहते हैं उसको ट्वेंटी मार्क्स है तो ईच क्वेश्चन फॉर फोर मार्क्स तो यहाँ पे ट्वेंटी मार्क्स ठीक है ना सेक्शन अभी यहाँ पर देखिए हाँ अब ये क्वेश्चन नंबर फोर मतलब सेक्शन देखिए यहां पे आपके आंसर पेपर में क्या दिया है सेक्शन ए फिर सेक्शन बी फिर सेक्शन सी और फिर सेक्शन डी सेक्शन वाइज मार्क्स लिखेंगे वैल्यूअर यहां पे लिखते समय सेक्शन वाइज मार्क्स लिखेंगे क्योंकि यहां पे क्वेश्चन वाइज मार्क्स नहीं लिखने यहां पे सेक्शन वाइज सेक्शन ए कितने मार्क्स का है ट्वेंटी मार्क्स का तो स्टूडेंट को ट्वेंटी मार्क्स मिला है सेक्शन बी कितने मार्क्स का है सिक्सटीन मार्क्स का तो इस स्टूडेंट को सिक्सटीन मार्क्स मिले सेक्शन सी कितने मार्क्स का है ट्वेंटी फोर स्टूडेंट को ट्वेंटी फोर मार्क्स मिले सेक्शन डी ट्वेंटी मार्क्स का तो इस, इसको यहाँ पे ट्वेंटी मार्क्स मिले तो इन पूरे का सम यहाँ पे ठीक है ना तो ये यह यहाँ पे नीचे डैश आएगा पूरे का सम सिक्स प्लस फोर ये टेन तो जीरो रहेगा हमारे पास रहेगा वन देखिए टू प्लस टू फोर फोर प्लस वन फाइव फाइव प्लस वन हाथ में हमारे जो वन था उसको हमने यहाँ पे ऐड किया ठीक है ना या फिर यहां पे मैं ऐड कर करता हूं तो ये पूरे के पूरे टूट -टू हो जाएंगे वो एक दो तीन चार तो ये हो जाएगा ठीक एट। है, है ना तो टोटल यहां पे, पे वैल्यूअर खुद का सिग्नेचर करेंगे फिर अपॉइंटमेंट नंबर जो भी अपॉइंटमेंट नंबर रहता है सपोज इस प्रकार कांबर अपॉइंटमेंट नंबर लिखा जाएगा उसी प्रकार से यहां पे एटी मार्क्स इनवर्ट्स यहां पे एटी लिखा जाएगा फिर यहां पे रहेगा सिग्नेचर और फिर उनका यहां पे अपॉइंटमेंट नंबर रहेगा फोर थ्री एट एट अब ये एटी मार्स का पेपर है तो मॉडेटर भी चेक करेंगे मॉडेटर यूज करेंगे ब्लैक पेन और चीफ मॉडेटर यूज करेंगे ग्रीन ग्रीन कलर ठीक है ना ये रेड कलर ये ब्लैक कलर और ये ग्रीन कलर रहेगा अब ये पेपर एटी मार्क्स का है तो तीनों की तरफ जाएगा मतलब वैल्यूअर ने तो चेक किया एग्जामिनर ने फिर मॉडेटर भी चेक करेंगे और फिर यहां पे चीफ मॉडेटर भी चेक करेंगे हो सकता है खादो तो मार्क्स कम भी हो सकता है इसलिए एटी मार्क्स जिन्हें लाने हैं

ओके okay? तो इस वजह से आपको बहुत केयरफुली पूरा आंसर पेपर यहां पर पे सॉल्व करना है ये मेरे ही कॉलेज की जो स्टूडेंट है वैष्णवी ढोले इसने ये सॉल्व करके मुझे दिया है मैं उसका भी आभारी हूं ठीक है ना और फिर बाद में जो जब मेरे पास आउट ऑफ का पेपर आएगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किसका किस उसका किस प्रकार से वैल्यूएशन हुआ है ओके okay? तो मैं आशा करता हूं कि आपको आपको सभी बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले एग्जामिनेशन में इसके लिए मैं आपको सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और अच्छी तरह से आंसर पेपर को सॉल्व कीजिए देखिए ये मैंने ओरिजिनल आंसर पेपर आपको बताया किस प्रकार का रहता है ये आपका ओरिजिनल आंसर पेपर है और इस प्रकार का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहता है ठीक है ना ये सप्टेम्बर ट्वेंटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन का वीडियो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है आप जरूर उस वीडियो को देखिए स्टेप वाइज मैंने वहां पे भी मार्क्स आपको बताया और हमने देखिए आपके मैथ्स पार्ट वन और मैथ्स पार्ट टू दोनों पार्ट के पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने वीडियो लेक्चर में दे रखा है मतलब इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दे रखा है अब ये आंसर पेपर इसी प्रकार का आंसर पेपर सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहेगा क्योंकि सभी के लिए इसी इन्हीं प्रकार का आंसर पेपर रहता है सभी हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में चारों क्वेश्चन पेपर में चार सेक्शन है ए बी सी डी तो उनके लिए भी ये और सभी सब्जेक्ट के लिए मतलब आपका आर्ट्स हो साइंस हो या फिर कॉमर्स हो सभी के लिए इन्हीं प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहता है ये ओरिजिनल मैं धन्यवाद यहाँ पे हमारे जो अधिकारी है उनको भी देना चाहता हूं कि उन्होंने आंसर पेपर मतलब दिखाने के लिए मुझे यहां पे दिया है तो इसी प्रकार का ओरिजिनल आंसर पेपर आपका रहेगा ओके तो देखिए फ्रेंड्स मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट है अब बताने के लिए कोई मतलब ये नहीं है कि जैसे ये इस प्रकार का ही रहेगा मतलब जैसे कि जैसा ये आंसर पेपर नहीं मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ रखने समझने के लिए यहाँ पे आंसर पेपर यहां पर पे आपके सामने रखा है ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स समझ लीजिए कि ये सेम आंसर पेपर आपको आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में मिलेगा आपके हाथ में यही आंसर पेपर इसी प्रकार का आंसर पेपर आपके हाथ में रहेगा तो मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को प्लीज़ आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से उन्होंने सॉल्व करना चाहिए जो सेक्शन है ये सेक्शन सेपरेट पेज पर आपने लिखना चाहिए मतलब सेक्शन ए इस स्टूडेंट का सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो उसने सेक्शन बी सेपरेट पेज पे स्टार्ट किया और सीरियली आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए सीरियली तो क्या होता है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पे सॉल्व किया और फिर यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट किया ऐसा नहीं पूरा सेक्शन भी कंप्लीट कीजिए आपको लगता है कि एक आधे दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको नहीं वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप एक काम कीजिए कि थोड़ी सी जगह वहां पर छोड़ दीजिए थोड़ी सी रिकामी जगह जो रहती है उसको छोड़ दीजिए जैसे ये दो पेज ऐसे छोड़ने फिर बाद में उसको आगे स्टार्ट करना है सेक्शन सी को क्योंकि वैल्यूअर को भी सीक्वेंस से चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं जाएगी लेकिन अगर वैल्यूअर को थोड़ी दिक्कत जाती है तो हो सकता है की वैल्यूअर का अगर टेंशन बढ़ता है तो आपको समझ में आ, आता होगा कि क्या होगा फिर आपके आपका हाल क्या होगा तो वैल्यूअर को टेंशन ना आए इसका भी प्रिकॉशन आपको लेना है ठीक है तो देखिए ये वीडियो था आपको मतलब ये आने वाला एग्जामिनेशन जो है अभी स्टूडेंट ने 14 मार्च 2022 लिखा है क्योंकि आने वाला जो आपका मैथ्स का पेपर है स्टेट बोर्ड एग्जाम का ये 14 मार्च को ही है तो उसने यही डेट यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट ने लिखा है ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स मेरे आपसे भी सर रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगता है इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए ओ ओके और देखिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मुझे कमेंट भी किया कीजिए उसी उन्हीं प्रकार के वीडियोस में आपके लिए निश्चित रूप से इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहूंगा ठीक है और वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना लाइक तो जरूर करना है लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो यहाँ पे बनाया ओके चलिए अब हम मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों पढ़ाई में आते हैं है सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो क्रॉप करो और पांच सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी अब चाहे आपका सवाल क्लास सिक्स से ट्वेल्थ तक आई आई टी जेई या नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान अदर स्टेट बोर्ड कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास नाइन्थ से ट्वेल्थ तक आई आई टी जेई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक वन तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो अपने सभी डाउट्स बगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ